सारे हीरो पंथी निकल गए। बस चढ़ाई चढ़ा उधर, घोड़ों को भी सांस चढ़ गया, मेरी तो पिद्दी निकल गई है भाई। ये क्या लिखा हुआ है, आ तेरे जिन कड्डा, मेरे निकल गए ने, मेरे अपने ही निकल गए ने। अल्लाह की शान, ग्लेशियर अंदर से मेल्ट हो गया हुआ है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? आज एक नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, रात को लेट नाइट पहुंचे थे रामा मेडोज़ में। अभी मैं ट्रैकिंग कर रहा हूं, दिखाता हूं, बताता हूं कहां मैं जा रहा हूं। मेरे साथ सजाद भाई हैं, उनसे भी आपसे मिलवाता हूं। खैर रात को लेट नाइट ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो अभी जो है ना वीडियो मैंने स्टार्ट की है। नाश्ता बड़ा बेहतरीन रहा, वो मैंने आपको दिखाया कि नाश्ता हम लोगों ने खुद बनाया, टॉस थे और साथ चाय थी। अभी ये पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं हम लोग। सजाद भाई कहते हैं यहाँ पे करीब ही ना छोटी सी एक झील है। ये सजाद भाई ग्रीन व्यू होटल में होते हैं, तो जब भी कभी आए कोशिश करें यहाँ पर स्टे करें, बड़ा अच्छा रहेगा आपका स्टे। हमारा तो बहुत अच्छा रहा। इतने में ना सांस फूल गई है, आदत जो नहीं है। देखें ट्रैक एकदम से जो है ना, वो होटल है वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ट्रैक का सूल यही है, कदम हमेशा छोटे छोटे रखें, पाँव की ग्रिप होनी चाहिए। मौसम बड़ा बेहतरीन है, क्लाउडी वेदर है, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, कभी धूप आती है कभी छांव आती है। ये देखें खूबसूरत माशाल्लाह, ये वाले जो स्नो कवर्ड पीक्स है ना, ये देवसाई वाली साइड की, और ये सामने भी। ओए होए होए सांस फूल गया, ट्रैक करते करते ना सांस फूल गया। 5 से 10 मिनट का ट्रैक है, लेकिन आगे आपको जो झील मिलती है ना नज़र आ रही होगी, छोटी सी झील है, लेकिन अब इतनी दूर आए हैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। ले जी पहाड़ों का मुर्शद नांगा पर्वत, इसका भी दीदार कर लें आप। बड़ी मुश्किल से ये दीदार करवाता है, आज मौसम बहुत क्लियर है इसलिए दीदार करवा रहा है। और ये वाली जो साइड है ये रूपल वाली साइड है, रूपल फेस इसको बोलते हैं। दूसरी साइड पे आपको मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया था फेरी मेडो से जब मैं गया था, बहुत खूबसूरत पहाड़ है यार, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आफ्टर 10 मिनट्स झील का दीदार करके और नांगा पर्वत का भी, पहाड़ों के मुर्शद का भी दीदार करके वापसी का ट्रैक शुरू हो गया। हवा यहाँ पे बड़ी प्यारी चल रही है, ये देखें ज़रा क्या नज़ारे हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुकून ही सुकून, इसको बोलते हैं रियल सुकून। ये लो हम लोग होटल से निकल पड़े हैं, चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, और अब हम आगे की तरफ गामजन है अपने रास्ते की तरफ। सोचा साथ साथ आपको व्यूज़ भी करवाता चलूँ। यहाँ पर आके रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन जितनी मैंने वीडियोज़ देखी हैं बड़े कम ट्रैवल ब्लॉग्स बताते हैं कि रामा का जो ट्रैक है वो बहुत रफ़ एंड टफ है, और मेरी नज़र में 4x4 वाला है। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये जगह दिखानी थी तो जैसे भी करके हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आके रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और बम्पी रोड सब ख़त्म हो जाता है, और ऐसे पूरा फर्निश ट्रैक है। ये देखें दरख्त कैसे दरमियान में एक किस्म का लगा हुआ है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है और माशाल्लाह। रात को टेम्परेचर यहाँ पर था कोई 12-13, और टूरिस्ट देख लें ना होने के बराबर हैं, ये है असल नेचर। और इस वक्त टेम्परेचर है कोई 26 है, हवा बड़ी प्यारी चल रही है। ये भी एक होटल है, ये देखें कैसे शार्प टर्न है, उम्मीद है आपको महसूस हो रहा होगा, ये भी एक शार्प टर्न है।
अल्लाह अकबर। देखे यहाँ पे भी इंतबाह किया हुआ कि इस इलाके को साफ सुथरा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सारा जितना गार्बेज था, रैपर्स वगैरह थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डस्टबिन के अंदर डाले हैं। ये है रेस्ट हाउस रामा का, PWD का है, और आजकल यहाँ पे कोई नहीं है। मैं कल यहाँ पे भी पता किया था, यहाँ पे कोई रूम शूम नहीं है। आगे एक लास्ट रहता है PTDC का। ये देखें जनाब, ये है मेडोज। माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। पीछे पहाड़ों पे देखें स्नो कवर्ड पीक्स हैं, सुभान अल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत चश्मा बह रहा है, इसकी जो आवाज़ है क्या बात है, तरोताज़ा कर रही है यार। ऐसी मौसीकी तो मैं सुनने को बार बार आना चाहूँगा, और इसलिए मैं बार बार पहाड़ों में चला आता हूँ। ये है नेचर, ऐसी नेचर ही पसंद है जहाँ पे इंसानों से ज़्यादा चरिंद परिंद हों, क्योंकि चरिंद परिंद इतनी गंदगी नहीं डाल सकते जितने इंसान डालते हैं। खैर मैं भी इंसान हूँ, मेरी पूरी एफर्ट होती है कि साफ़ सुथराई का, इस जगह के साफ़ सुथरा रखने का पूरा हक अदा करूँ। देखते हैं आगे हमारा क्या प्लान बनता है, जीप पे आगे रामा लेक पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि जीप के बाद उसके बाद एक घंटे का फिर पैदल ट्रैक होता है। लेट्स सी, हिम्मत ताकत और बच्चों के इरादे पुख्ता रहेंगे या नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं। ये सारा मेडोज जो आपको नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है यार, बहुत खूबसूरती है, बहुत सुकून है। ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी नहीं, अभी बाद में इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम चचा, क्या हाल है आपको? ठीक है, ठीक ठाक। आपको याद है? हाँ, क्यों मैं अभी ऐसे, ठीक है, राजी हैं दीदी? चचा जी आज फिर मिल गए हमें, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? तो भजन क्या प्लान है आगे जाने का? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। ले जी ये है यॉर्क, क्या खूबसूरती है यार, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत तरीके से इसको बनाया था, माशाल्लाह। लाइवली मैंने इसको सेकंड टाइम देखा, एक दफ़ा खजराव वाली साइड देखा था। चले जुल्फकार साहब चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहाड़ों की शहजादी यानी कि ये जीप में बैठ चुके हैं और टूवर्ड जा रहे हैं रामा लेक की तरफ। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, जैसे हम मज़ा कर रहे हैं घर बैठे, आप भी मज़ा करें। जान हमारी बनी हुई है, मज़ा आप कर रहे हैं। देखें ज़रा आगे नज़ारे, ये देखें किस कदर ख़तरनाक पुल है, सिंगल गाड़ी जाती है, और खड्डे देखें वहाँ पे कैसे ख़तरनाक खड्डे बने हुए हैं यार, माशाल्लाह अल्लाह की शान है। और ये ज़ुल्फ़िकार साहब की कारागरी है, सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसका करम है, उसका करम के बगैर कुछ नहीं है। ये दरिया देखें यार, अल्लाह अकबर, आवाज़ देखी दरिया की, अल्लाह अकबर। 1:50 हुए जाते हैं और देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैकिंग भी करनी है और ट्रैक भी देखते हैं टफ है या रफ है, कैसा होता है और कैसा नहीं होता। आपको पता है मैं फैमिली के साथ आया हूँ, अब्दुल अजी भी मेरे साथ है। अच्छा माशाल्लाह मैंने यहाँ पे देखा है कि जैसे कुमराड़ वैली में जंगलात को काटा जा रहा है, अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। दरख्त जैसे हैं वैसे ही हैं माशाल्लाह, अपनी असली हालत में। खूबसूरत बात मैंने लिखी पढ़ी और मुझे बड़ा मज़ा आया, सोचा आपसे भी शेयर करूँ। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तू कायनात का मालिक है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के ही हाथ में है। कुछ लोग पैदल भी ट्रैक करके आ रहे हैं। जगह जगह पे छतरे कैसे अपना अपना खाना तलाश कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, यही इनकी चरागाहें हैं, शाम को खुद ही वापस चले जाते हैं। क्या नज़ारे हैं यार, माशाल्लाह अल्लाह की शान है।
वो यहाँ पे आप देखेंगे ना, वो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्लेशियर है, ये मेल्ट हुआ हुआ है। लेकिन जीप ने यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं, यहाँ से ट्रैक जीप का एंड हो जाता है और उसके बाद पैदल जाते हैं आगे। पैदल भी जा सकते हैं, खच्चर पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भाई साहब ने कहा कि नहीं खच्चर पे ही जाएं। चले मान लेते हैं, मामला अल्लाह ताला की जानिब से हैं, चलें कोई बात नहीं, अब खच्चर पे बैठते हैं, चलते हैं। लो जी, मेरे अलावा पूरी फैमिली बैठ गई है खच्चरों पर, मैंने डिसाइड किया कि पैदल ही जाऊँगा। कोई 10 मिनट का ट्रैक किया होगा, थोड़ा सा आगे आए हैं तो एक ग्लेशियर आया, लेकिन ये ग्लेशियर ट्रैक पे नहीं है, अब मेल्ट हो चुका है। ये देखें, जब आपने कहा ये इसकी वजह से है तो मैंने कहा यार ओके करें। ये देखें, ये ऊपर से आया था, मेल्ट हो चुका है, यहाँ पे था ये ग्लेशियर, अब आगे ग्लेशियर है वो काफ़ी बड़ा है। निकल गई सारी हीरोपंती, सारी हीरोपंती निकल गई, वो आगे चले गए, अब बहुत बड़ा ग्लेशियर आ गया, इसके ऊपर से गुजर के जाना है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सांस इतनी फूली हुई है और मैं पीछे भी रह गया हूँ। ओए होए अल्लाह, ये क्या, अल्लाह अल्लाह की शान, ये ग्लेशियर अंदर से मेल्ट हो गया हुआ है, अल्लाह, ये वाला निशान है, ये बाइक का है, बाइकर्स लोग यहाँ से जाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उधर घोड़ों को भी सांस चढ़ गया, उन्होंने भी ब्रेक ले लिया पानी पीने के लिए, ग्लेशियर बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर, वो वाला ग्लेशियर क्रॉस किया, उसके बाद ये ग्लेशियर आ गया, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, मेरी तो पिद्दी निकल गई है भाई, वो सारा ट्रैक करते हुए यहाँ आया हूँ, तो सोचा है मोड़ मुड़ूंगा तो जीत नज़र आ जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, आ तेरे जिन कड्डा, मेरे निकल गए ने, मेरे अपने ही निकल गए ने, जिन चुड़ेलना सारा कुछ निकल गया, बड़े चावान ने लई सी आ तेरे जिन कड्डा नहीं छड़, सोचा कोई वधिया जगह पर पावगा, मैनू की पता सी फिर अपने जिन निकल जाएंगे, इतने ग्लेशियर पे ने, ठंड है, पसीना बुरे आ गए ने, पसीना सह सुके हो, कभी कभी जड़िया ना शोखी नहीं मारनी चाहिए, मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा, तू चला जा पैदल, 1000 रुपये खच्चर आ जान चुक रहा सी, मत बज गई, मैं बड़ा जवान हाँ, पैदल चला जाऊंगा, तू चला जा पैदल, तू चला जा, नो डाउट जगह बड़ी प्यारी है, बहुत वधिया, वेखो ना किड़ी वधिया जगह, उर्दू च ब्लॉग शुरू किया सी, पंजाबी ते आ गया, मत बज गई, झील नज़र आ गई मैनू, लेकिन हले भी डाढ़े दूर है, कोई गल नहीं, सोनिया मंजिलों के रास्ते हमेशा औखे होंगे ने, एवें नहीं कहते, औखे पेंडे लम्मिया ने रावां इश्क दिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्यों फिर की आंदे हो, कहते ओ मरी दे पहाड़ ते ओ पहाड़ पहाड़ा वर्गे ने, और इलाज कराओ अपना, अपनी अखां दा अपने दिलों का इलाज कराओ, है देखो सामने सोने नागा परबत साहब, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह,
क्या बात है, तय सोनी राज के सोनी, राज के सोनी रामा लेक, माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत वड्डी लेक है यार, माशाल्लाह क्या बात है। मोस्टली लोग जड़े ना पंजाब वाली साइड तो ही आए हुए जे, कैसा लगा फिर तुम नज़ारा? आओ करीब चलने हैं, तेंदा पानी भी तक रहे हैं, कैसा पानी इंदा, ठंडा है कि नॉर्मल है, गंदला है कि निखरिया होया? रामाले आई लव यू। लो जी यहाँ पे चाय चिप्स पकौड़े खाने फिश नीज किराए पर रेंट भी दस्तयाब है। क्या जी क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद है ना आपको मैंने व्लॉग के शुरू में दिखाया था, एक छोटी सी लेक थी और उसके पीछे ये नंगा पर्वत था, और इसके हम बहुत करीब आ गए हैं, अब हम बहुत करीब, सुभान अल्लाह। लो जी जिन जिन तो मेरे सारे निकल गए थे, तो वापसी भी मैंने भी फैसला किया कि मैं भी घोड़े पे बैठ के जाऊं। मेरा ख्याल है ये फैसला अच्छा है, वैसे वापसी आसान है, उतराई है चढ़ाई नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चों ने भी फोर्स किया कि बाबा नहीं आप जो है ना घोड़े भी हमारे साथ ही चले, तो अब वापसी का ट्रैक शुरू करते हैं। हाँ जी राम क्या क्यों लगाया? बस वैसे ही उन्होंने रामा लिख दिया नाम, राम तो उनके भगवान का नाम है, तो बस उन्होंने झील का नाम ऐसा रख दिया कि रामा लेक। बस बस इधर हो, अल्लाह अकबर, घोड़े की राइड भी कोई आसान काम नहीं है भाई। फाइनली हम लोग
घोड़े वाली राइड भी ख़त्म करके वापस पहुंच चुके हैं उस बेस कैंप पे। यहाँ से हम लोग अब गाड़ी में बैठते हैं फिर चलते हैं रामा मेडोज़ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह देख लें, एवं नहीं मैं इतनी दूर आ गया। कितना खूबसूरत, इतना हाइटेड, कितना पुरअमन पुरसकून। गाड़ी के शायद स्टार्ट होने की आवाज़ आ रही हो, सुभान अल्लाह, हल्की हल्की हवा चल रही है, खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद है आपका वो ये वाला मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत एफर्ट किया है, बहुत ट्रैवल किया इसके लिए, बहुत दूर आए हैं, और आए भी किस पे, इस शहज़ादी पे। यार बड़ा साथ दिया, लोग कहते हैं जी गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं कहता हूँ ड्राइवर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके आया हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। खैर बड़ा अच्छा लगता है जब हम मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं, तो मुझे एक ऐसे लगता है जैसे कि मुझे थपकी दे रहा है ना मेरे शोल्डर पे कि मूव ऑन करो, कैरी ऑन करो, वीडियोज़ बनाओ। खैर चलते हैं एक अगली डेस्टिनेशन की तरफ, वो इससे भी सुपर एग्जॉटिक है। ठीक है, अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।